आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस शो में इधर उधर की बात नहीं, आंकड़ों के लेंस से हम दिखाते हैं आपको कि किसकी लोकप्रियता में उछाल है और कहां पर है गिरावट। तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि जब कर्नाटक में 4% आरक्षण को खत्म करने का दम बीजेपी धरती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगा दी है, लेकिन 4% आरक्षण जो मुस्लिमों को इससे पहले मिला हुआ था उसको बीजेपी आखिर क्यों रोक रही है, इसको अगर समझना है तो ये आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे। आबादी करीब 13% है कर्नाटक में, मुस्लिम आबादी कुल हम आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा असर उनका 40 सीटों पर है, लेकिन असर उनका पूरा माना जाता है कि लगभग 70 सीटों पर है। 13 सीटों में उनकी निर्णायक भूमिका होती है, यानी मुस्लिम मतदाता ये डिसाइड करता है कि यहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा। यानी जब वहां के नेता बीजेपी के ईश्वरप्पा साहब कहते हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, तो उनकी नजर है कि शायद एंटी, अगर हम माने, ध्रुवीकरण एक होगा और वोट हिंदूज का कंसोलिडेट होगा तो बाकी सीटों पर हमारा राज होगा, हमारी जीत होगी। अगला आंकड़ा आपको दिखाते हैं, क्योंकि क्षेत्रवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जो महाराष्ट्र कर्नाटक का हिस्सा है उसमें लगभग 14.5% मुस्लिम मतदाता है। हैदराबाद कर्नाटक का ये देखिए 15.5% के आसपास, तटीय इलाके में लगभग 17.5%, 16.72%, लेकिन यही ओल्ड मैसूर में उनकी आबादी कम है, 10% से नीचे है, लगभग 9%। सेंट्रल कर्नाटक में 12.5% के आसपास, 13% के आसपास बेंगलुरु सिटी में 12.97, और कुल आबादी उनकी 13% है। और याद रखिए ये 2011 के जनगणना के हिसाब से आंकड़े हैं जो हम आपको दे रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पहले आरक्षण कितना था, हर जाति के लिए धर्म के लिए भी यहां पर आरक्षण है। दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं जिसमें आप हैरान रह जाएंगे कि मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण है, और बीजेपी कहती है कि संविधान के आधार पर, अब धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब आंकड़े आपको दिखाते हैं। एससी के लिए जो पहले आरक्षण का हिस्सा था, 50% जो आरक्षण वहां पर है उसमें 15% आरक्षण एससी के लिए है, एसटी के लिए 3%, लिंगायत के लिए 5%, वोकलिगा के लिए 4%, और मुस्लिमों के लिए भी 4% आरक्षण रखा गया था, पिछड़ा के लिए 4%, अन्य पिछड़ा के लिए 15%, कुल 50% खत्म। कर्नाटक में अब जब बीजेपी नए तरीके से आ रही है तो उन्होंने मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया है, तब आरक्षण का हिसाब किताब क्या हो जाता है, एससी को 17%, एसटी को 7%, लिंगायत को 7%, वोकलिगा का यानी लिंगायत में देखिए 5% से बढ़ाकर इन्होंने कर दिया 7%, 4% वहां से निकला वो 2% इन्होंने लिंगायत को दे दिया है और 2% उन्होंने वोकलिगा को दे दिया है। ये देखिए सबसे ज्यादा नजर इसी पे है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनका प्रतिशत नहीं होने के बावजूद माना जाता है कि बड़ा असरदार प्रभाव इनका है कर्नाटक में लोगों की सोच पर, और इसीलिए यहां पर 2% बीजेपी ने उनकी तरफ बढ़ा दिया है, वोकलिगा को भी 4 से कर दिया है 6%। मुस्लिमों में दिखा दीजिए क्रॉस, यानी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का उन्होंने फैसला ले लिया है, जिसका दम भरते हैं। हालांकि आपको बता दें 9 मई तक इस पर कोर्ट से स्टे लग चुका है, पिछड़ा को 4 और अन्य पिछड़ा को 15 जो पहले के हिसाब था, तो कुल यहां पर 56% आरक्षण की गुजारिश। और यहीं पर सिद्धरमैया साहब ने ट्वीट करके कह दिया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 50% से आरक्षण को 75% कर देंगे, 75%। इस पर बीजेपी वाले अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि ये तो उनके ख्वाब हैं, ख्वाब देखते रहें, सत्ता में हम ही आ रहे हैं। अब जाति का जो आंकड़ा है वो जल्दी से आपको दिखा देते हैं। जाति यहां पर जनसंख्या के हिसाब से लिंगायत 14% यहां पर है, 75 से 76 सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है, सबसे ज्यादा असरदार यही जाति यहां पर मानी जाती है। वोकलिगा 11% है, 54 सीटों पर इनका असर माना जाता है, कुर्बा 7, और अगर आप ये 76 और 54 को जोड़ लीजिए तो देखिए स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, यानी लिंगायत और वोकलिगा माना जाता है कि जिस तरफ इनका झुकाव हो गया उनकी सरकार बन सकती है, एक उत्तर में ज्यादा है एक दक्षिण में ज्यादा है। और ये देख लीजिए उसके बाद से हम आपको दिखा रहे हैं, कुर्बा 7%, मुस्लिम 13%, ओबीसी 12%, एससी 7%, एसटी 7% और अगड़ी जातियां 3%।
तो कुल मिलाकर लिंगायत, वोकलिगा और कुर्बा, ये जो तीन आप ऊपर देख रहे हैं, ये जिसकी तरफ जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है कर्नाटक में, ये माना जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़े डिसाइसिव फैक्टर, इनका प्रभाव सबसे ज्यादा सीटों पर, 76+54+3 अगर आप जोड़ लें तो 76 और 57 मिलाकर लगभग ये तय कर देते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन मुस्लिम आरक्षण का मतलब क्या है दक्षिण भारत में, उसको समझिए, और उसको समझने के लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे, और शायद इसीलिए बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा इसी पर है कि हम आए तो मुस्लिम आरक्षण को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, इन राज्यों में सबसे ज्यादा केरल में 12% आरक्षण है मुस्लिमों के लिए, कर्नाटक में 4%, केरल में 12%, तमिलनाडु में 3.5%, आंध्र प्रदेश में 4%, तेलंगाना में 4% आरक्षण है मुस्लिम मतदाता के लिए। तो आइए कुछ और आंकड़े हैं, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि दक्षिण दाब जो बीजेपी का रहा है उसमें अभी तक कितनी सीटें वो जीती है अलग अलग राज्यों में। ये भी दिलचस्प है, कर्नाटक में कांग्रेस या बीजेपी के लिए वो राज्य में अलग चयन करते हैं, लेकिन पिछली बार 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में जीती थी चुनाव में। दक्षिण में लोकसभा के नतीजे क्या है उसको आप समझिए, केरल में 20 लोकसभा सीटें, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें, बीजेपी का जो दक्षिण दाव है वो चाह रहे हैं कि यहां पर अगर हमने परफॉर्मेंस अपनी अच्छी कर ली 39 सीटों पर तो हम अच्छा कर लेंगे। आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी उनकी कोशिश है कि हम अपने परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर करें।